ओके एस पीपल, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू सर, वेरी गुड मॉर्निंग। लास्ट क्लास पीजीपी हमारा सेकंड क्लास थिला, ओके तो सेकंड क्लास रे हमें माने पीजीपी रा सेकंड क्लास रे ये प्लांट एंड मशीनरी बिल्डिंग माने सब एसेट ऊपर डेप्रिसिएशन रेट ऑलरेडी हमें डिस्कशन कर सारी छे, एस और नो? एस सर। तो चलो आज हमारे पीजीपी रा थर्ड क्लास, ये थर्ड क्लास बहुत इंपोर्टेंट तुम कहीं आज आम डिप्रिसिएशन और प्रॉब्लम सॉल्यूशन करवा सहित बहुत इंपोर्टेंट प्रोविजन को आम आज बुझा। तो देख संगे संगे मैंने फटाफट पढ़ इंपोर्टेंट नोट मैंने डिप्रिसिएशन जो डिस्कशन सेक्शन 32 डिप्रिसिएशन डिस्कशन होता ये सेक्शन 32 कंप्लीट हो नाला ये सेक्शन 32 किटा बाकी रही जाता जोटा कि आज प्रथम फर्स्ट 20-25 मिनट भितर से सेक्शन 32 जो रिमेनिंग कनसेप्ट बाकी आम सल्व करवा बाकी नुआ कनसेप्ट उपरको आम मुव करवा। तो मोर प्रथम क्वेश्चन है कि डेप्रिसिएशन केत सर डेप्रिसिएशन अलाउड हम जो दुटा कंडीशन सैटिस्फाई कौन थी से कंडीशन प्रथम कंडीशन थी कि द असेसी मस्ट बी ओनर ऑफ द बिजनेस एसेट सेकेंड कंडीशन थी कि द एसेट मस्ट बी यूज्ड ड्यूरिंग द ईयर फॉर द पर्पज ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन मन रख द एसेट मस्ट बी यूज्ड ड्यूरिंग द ईयर एसेट जदि गोटे वर्ष भितर गोटे दिन बा गोटे घंटा बा गोटे मिनट भी जदि यूज होला फिर भी पूरा माने फुल ईयर रो डेप्रिसिएशन तमे क्लेम करि परिबो ता माने डेप्रिसिएशन क्लेम करिबा मैंडेटोरी। तो इट इज मैंडेटोरी टू क्लेम डेप्रिसिएशन फॉर ऑल एसेसी, इट इज मैंडेटोरी टू क्लेम डेप्रिसिएशन फॉर ऑल एसेसी माने जदि भी एसेसी डेप्रिसिएशन क्लेम करिनि भूल वशत फिर भी इनकम टैक्स मतलब अपने आप डेप्रिसिएशन अलाउ कर देगा। जब तुम्हारा वो टैक्स लाइबिलिटी फाइनलाइजेशन करेगा तो तब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट अपने आप डेप्रिसिएशन अलाउड कर देगा। अच्छा तो डेप्रिसिएशन मैंडेटोरी, अच्छा ये पॉइंट ऊपर केस स्टडी क्वेश्चन आसपे सर कौ टाइप केस स्टडी क्वेश्चन धरी ने इंस्टीट्यूट एमती गोटे क्वेश्चन पचारा कि मिस्टर एक्स गोटे आसी से जो तार पीजीपी इनकम कम्यूटेसन कर डेप्रिसिएशन क्लेम करनी भूली जा आउ डेप्रिसिएशन को क्लेम न करी जो पीजीपी पर इनकम से कंप्यूट कर पीजीपी पर इनकम हिसाब से रिटर्न फाइल कर दे असेसिंग ऑफिसर वर्तमान कौन ना से रिटर्न फाइल देखला परे आसेसी जानपरला कि सर डेप्रिसिएशन क्लेम करनी तो आसेसी चाहूँगी आउ थे डेप्रिसिएशन क्लेम करने बट असेसिंग ऑफिसर कह तू जेहेतु रिटर्न तो आड़ भरी चु तू डेप्रिसिएशन क्लेम करनु मु आउ डेप्रिसिएशन देवी तोर डेप्रिसिएशन क्लेम करिवार थला तो तो आड़ डेप्रिसिएशन क्लेम कर पठेबार थला ओ एबे आसेसी को डेप्रिसिएशन अगेन मिलबाना मिलबनी सर मिल कहीं जदि भी भूलवशत आसेसी डेप्रिसिएशन क्लेम कर पारि ना फिर भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आड़ मैंडेटोरी डेप्रिसिएशन अलाउ कर इट इज मैंडेटोरी टू क्लेम डेप्रिसिएशन फॉर ऑल एसेसी। अच्छा आम जानी कंप्यूटर और कंप्यूटर एसेसरी डेप्रिसिएशन रेट के 40% आम जानी कि कंप्यूटर और कंप्यूटर एसेसरी डेप्रिसिएशन रेट के परसेंट थी कंप्यूटर और कंप्यूटर एसेसरी डेप्रिसिएशन रेट 40% थी। तो मो कह क्वेश्चन यह है कि सर मोबाइल फोन केते परसेंट डेप्रिसिएशन मिल धरी नियो मोबाइल फोन तो बिजनेस प्रोफेशन यूज होती तो मोबाइल फोन को आम कंप्यूटर हेड 40% डेप्रिसिएशन नहीं पारा कि आंसर इज नो। तो मोबाइल फोन आर नॉट कंप्यूटर हेन्स डेप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ 40% इज नॉट एलिजिबल। सर प्रिंटर माउस कीबोर्ड एक्सेट्रा सर ये प्रिंटर माउस कीबोर्ड ये सब कंप्यूटर एक्सेसरी ये कंप्यूटर डेफिनेशन अंडर आसो तो ये सब कंप्यूटर हिसाब से 40% डेप्रिसिएशन मिल। तो कंप्यूटर एक्सेसरीज लाइक यूपीएस प्रिंटर स्कैनर एक्सेट्रा इज अवेलेबल एट द रेट ऑफ 40% डेप्रिसिएशन। अच्छा सपोज गोटे आसेट जार कॉस्ट 2000 टंका एवं आसेसींग अफिसर कह जेहेतु ये आसेटर कॉस्ट 5000 तौक अच्छे मुझे डेप्रिसिएशन देवी आंसर इज रंग आसेसींग अफिसर कौन से अधिकार नहीं कि 5000 हो बा न हो ताने आसेटर कॉस्ट जिते इवन इफ 5000 तौक हेल्ले डेप्रिसिएशन मिल डेप्रिसिएशन इज अलाउड इवन इफ कॉस्ट इज लेस दैन रुपीज 5000। अच्छा आज पर सेक्शन 43 सब सेक्शन 3 प्लांट इनक्लूड्स शिप्स व्हीकल्स बुक्स साइंटिफिक अपराटस एंड सर्जिकल इक्विपमेंट यूज्ड फॉर बिजनेस और प्रोफेशन बट डज नॉट इंक्लूड टी बसेस लाइव स्टॉक बिल्डिंग
ଫର୍ଣ୍ଣିଚର ଫିଟିଙ୍ଗସ୍। ଦେଖ ଇନକମ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଆକ୍ଟ ଅଣ୍ଡର ମାନେ ଇନକମ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଆକ୍ଟରେ ପ୍ଲାଣ୍ଟର ଡେଫିନେସନ୍ ଦିଆଯାଇଛି। ତ ପ୍ଲାଣ୍ଟର ଡେଫିନେସନ୍ କ'ଣ ନା, ପ୍ଲାଣ୍ଟର ଡେଫିନେସନ୍ ନାହିଁ, ଇନକ୍ଲୁସିଭ୍ ଡେଫିନେସନ୍ ଦିଆଯାଇଛି। ମନେ ରଖ ଡେଫିନେସନ୍ ଦୁଇ ପ୍ରକାର, ଗୋଟେ ଏକ୍ସକ୍ଲୁସିଭ୍ ଆଉ ଗୋଟେ ଇନକ୍ଲୁସିଭ୍। ଏକ୍ସକ୍ଲୁସିଭ୍ ଡେଫିନେସନ୍ ମାନେ ଏମିତି ଯଦି କହିଥାନ୍ତା, ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଇଜ୍ ଆନ୍ ଇକ୍ୱିପମେଣ୍ଟ ହୁଇଚ୍ ଇଜ୍ ମେଡ୍ ବାଏ ମତଲବ ହୁଇଚ୍ ଇଜ୍ ମେଡ୍ ବାଏ ସମ୍ କମ୍ପୋନେଣ୍ଟସ୍ ଅଫ୍ ମୋଟର ହେଲା ଏକ୍ସେଟ୍ରା ହେଲା, ମତଲବ ଯେଉଁଟା ଯନ୍ତ୍ରପାତି ଯନ୍ତ୍ରପାତି ଲାଗିକିରି ଯେଉଁଟା ଫିଟିଂ ହେଉଛି, ଯିଏ କରେଣ୍ଟରେ ଚାଲୁଛି ନହେଲେ ପାୱାରରେ ଚାଲୁଛି, ତାକୁ ପ୍ଲାଣ୍ଟ କୁହାଯାଏ। ତ ପ୍ଲାଣ୍ଟର ଗୋଟେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଡେଫିନେସନ୍ ଯଦି ଦେଇଥାନ୍ତା, ତାହେଲେ ଆମେ ତାକୁ କହିଥାନ୍ତେ ପ୍ଲାଣ୍ଟର ଏଇଟା ଏକ୍ସକ୍ଲୁସିଭ୍ ଡେଫିନେସନ୍। କିନ୍ତୁ ବେଳେବେଳେ ପ୍ଲାଣ୍ଟ କ'ଣ ସେ କହୁନି, ସେ କହୁଛି କି ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଇନକ୍ଲୁସିଭ୍, ମାନେ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଅଣ୍ଡର୍ରେ ଏସବୁ ଆସିବ। ତ ଯେବେ ବି ତୁମ ସାମ୍ନାରେ କିଛି ଡେଫିନେସନ୍ ଆସିବ ଯେଉଁଠି ଲେଖା ହେଇଥିବ ଦିସ୍ ଟର୍ମ ଇନକ୍ଲୁଡ଼ସ୍ ଦ ଫଲୋଇଂ, ତାକୁ କୁହାଯାଏ ଇନକ୍ଲୁସିଭ୍ ଡେଫିନେସନ୍। କ'ଣ କୁହାଯାଏ ଇନକ୍ଲୁସିଭ୍ ଡେଫିନେସନ୍, ମାନେ ଏଠି ସେ ଜିନିଷଟା କ'ଣ ଡିଫାଇନ୍ କରାଯାଉନି, ତା ଭିତରେ କ'ଣ ଆସିବ ଡିଫାଇନ୍ କରାଯାଉଛି। ତ ଏଠି ଇନକମ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ସରି ଇନକମ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଆକ୍ଟରେ ପ୍ଲାଣ୍ଟର ଡେଫିନେସନ୍ ଦିଆଯାଇନି, କିନ୍ତୁ ପ୍ଲାଣ୍ଟର ଇନକ୍ଲୁଡ଼ସିଭ୍ ଡେଫିନେସନ୍ ଦିଆଯାଇଛି। ତ ସେଥିପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି କି ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଇନକ୍ଲୁଡ଼ସ୍ ଦ ଫଲୋଇଂସ, ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଇନକ୍ଲୁଡ଼ସ୍ କ'ଣ ସିପ୍ସ, ସିପ୍ ମାନେ ପାଣି ଜାହାଜ, ପାଣି ଜାହାଜ ବି ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଅଣ୍ଡରରେ ଆସିବ, ଭେହିକଲ୍ସ ବସ୍ ଟ୍ରକ୍ କାର୍ ଏକ୍ସେଟ୍ରା ଏସବୁ ବି ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଅଣ୍ଡରରେ ଆସିବ, ବୁକ୍ସ ବି ପ୍ଲାଣ୍ଟ, ଆକାଉଣ୍ଟସରେ ବୁକ୍ସ ତ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଇନକମ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ପ୍ଲାଣ୍ଟର ଇନକ୍ଲୁସିଭ୍ ଡେଫିନେସନ୍ରେ ବୁକ୍ସକୁ ଇନକ୍ଲୁଡ଼ କରାଯାଉଛି। ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ଆପାରାଟସ୍ ଆଣ୍ଡ ସର୍ଜିକାଲ ଇକ୍ୱିପମେଣ୍ଟ, ଯେଉଁ ଡକ୍ଟର ମାନେ ମେଡ଼ିକାଲ ପ୍ରଫେସର ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ସେସବୁ ଆଇଟମ୍ ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି, ସେସବୁ କୁହାଯାଏ ସର୍ଜିକାଲ ଇକ୍ୱିପମେଣ୍ଟ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ଆପାରାଟସ୍ ୟୁଜ୍ ଫର୍ ଦ ପର୍ପଜ୍ ଅଫ୍ ବିଜନେସ୍ ପ୍ରଫେସନ୍ ବଟ୍ ଡଜ୍ ନଟ୍ ଇନକ୍ଲୁଡ଼, ମନେ ରଖ ଟି ବସେସ୍ ଯେଉଁ ଟି ଗାର୍ଡ଼େନ୍ ନା, ଇଏ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ନୁହଁ, ଲାଇଫ୍ ଷ୍ଟକ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ନୁହଁ, ବିଲ୍ଡିଂ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ନୁହଁ, ଫର୍ଣ୍ଣିଚର୍ ଆଣ୍ଡ ଫିଟିଙ୍ଗସ୍ ଇଏ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଅଣ୍ଡରରେ ଆସିବ ନାହିଁ। ଡେପ୍ରିସିଏସନ୍ ସାର୍ କମ୍ପ୍ୟୁଟ୍ କେମିତି ହେବ ବେଟା, ଡେପ୍ରିସିଏସନ୍ କମ୍ପ୍ୟୁଟେସନ୍ କେ ଲିଏ ଏକ ଫର୍ମାଟ ହମ ଲୋକ ଫଲୋ କରେଙ୍ଗେ ଯେଉଁ ବ୍ଲକ୍ ଅଫ୍ କନ୍ସେପ୍ଟ କେ ଉପରେ ଆଧାରିତ। ତ ଡେପ୍ରିସିଏସନ୍ କମ୍ପ୍ୟୁଟେସନ୍ କେ ଲିଏ ହମେ ଏକ ଫର୍ମାଟ ଫଲୋ କରେଙ୍ଗେ, ଆଉ ଦେଖ କମ୍ପ୍ୟୁଟେସନ୍ ଫର୍ମାଟ ଇଏ ଯେଉଁ ଫର୍ମାଟ ଆମେ ଫଲୋ କରୁଛେ ଇଏ WDB ମେଥଡ଼, ମାନେ ବ୍ଲକ୍ ଅଫ୍ କନ୍ସେପ୍ଟ ହିସାବରେ ଡେପ୍ରିସିଏସନ୍ର ଫର୍ମାଟ। ଯଦି ତୁମେ SLM ମେଥଡ଼ ଚୁଜ୍ କଲ, ତୁମେମାନେ SLM ମେଥଡ଼ କିଏ ଚୁଜ୍ କରିପାରିବ, SLM ମେଥଡ଼ ମାନେ ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ଲାଇନ୍ ମେଥଡ଼ କେବଳ 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 ପାୱାର ସେକ୍ଟର ୟୁନିଟ୍ ଚୁଜ୍ କରିପାରିବ, କେବଳ 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 କିଏ ପାୱାର ସେକ୍ଟର ୟୁନିଟ୍ ଚୁଜ୍ କରିପାରିବ। ତ SLM ମେଥଡ଼ ଯଦି ତୁମେ ଫଲୋ କରୁଛ ତାହେଲେ ଇଏ ଫର୍ମାଟ ୟୁଜ୍ ହେବ ନାହିଁ। ତ ଇଏ ଫର୍ମାଟ କେତେବେଳେ ୟୁଜ୍ ହେବ, ଯଦି ତୁମେ ବ୍ଲକ୍ କନ୍ସେପ୍ଟ ୟୁଜ୍ କରୁଛ। ଓକେ, ତ ଡେପ୍ରିସିଏସନ୍ କମ୍ପ୍ୟୁଟେସନ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଏ ଫର୍ମାଟ ଫଲୋ କରିବା, ପ୍ରଥମେ ନେବା ଓପନିଂ WDV ଅଫ୍ ଆସେଟ୍ ନା ଓପନିଂ WDV ଅଫ୍ ବ୍ଲକ୍, ସାର୍ ଓପନିଂ WDV ଅଫ୍ ବ୍ଲକ୍। ଓକେ, ଓପନିଂ WDV ଅଫ୍ ବ୍ଲକ୍, ଓପନିଂ WDV ଅଫ୍ ବ୍ଲକ୍, ଠିକ୍ ଅଛି। ତା ସହିତ ଆମେ ଆଡ଼୍ କରିବା, କ'ଣ ଆଡ଼୍ କରିବା, ଆକ୍ଚୁଆଲ୍ କଷ୍ଟ, କ'ଣ ଆଡ଼୍ କରିବା ଆକ୍ଚୁଆଲ୍ କଷ୍ଟ, ମାନେ ସେ ବ୍ଲକ୍ରେ ଯଦି ମୁଁ କିଛି ନୂଆ ଆସେଟ୍ କିଣିଛି ତାହେଲେ ସେ ନୂଆ ଆସେଟ୍ର ଆକ୍ଚୁଆଲ୍ କଷ୍ଟକୁ ମୁଁ ଆଡ଼୍ କରିବି। ତ ଆଡ଼୍ କରିବି ମୁଁ ଆକ୍ଚୁଆଲ୍ କଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଆସେଟ୍ ଆକ୍ୟୁଆର୍ଡ଼ ଡ୍ୟୁରିଂ ଦ ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଇୟର୍, ମୁଁ ତିନିଟା ହେଡ଼୍ରେ ତାକୁ ଆଡ଼୍ କରିବି। ତ ଦେଖିବି କେଉଁଟା ସେ ବର୍ଷ ଆକ୍ୟୁଆର୍ଡ଼ ହେଇଛି ଆଉ ପୁଟ୍ ଟୁ ୟୁଜ୍ ହେଇଛି 180 ଦିନ କିମ୍ବା ଅଧିକା, ମାନେ ଇଏ କରେଣ୍ଟ ଇୟର୍ ଆମର ଚାଲିଛି 22-23, ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଇୟର୍ ଆସେସମେଣ୍ଟ ଇୟର୍ ଚାଲିଯିବ ବର୍ତ୍ତମାନ 23-24। ଓକେ, ହଁ, ଯଦି ବି ତୁମେ 24-25ର କ୍ଲାସ୍ କରୁଛ ତାହେଲେ ନୋଟ୍ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ଇଏ ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟ ହେଇଯିବ ବା ତୁମକୁ ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟ ଦିଆହେଇଯିବ। ଜେନେରାଲି ଗୋଟେ ଟର୍ମରେ ପୂର୍ବ ଆସେସମେଣ୍ଟ ଇୟର୍ର ଆମେ ବା ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଇୟର୍ର ପଢ଼ିକିରି ଆମେ ତାକୁ ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟ ହିସାବରେ କଭର୍ କରୁଛୁ। ତ 23-24 ଯଦି ଆସେସମେଣ୍ଟ ଇୟର୍ ଚାଲିଛି ତାହେଲେ ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଇୟର୍ ଚାଲିବ 22-23। 22-23ରେ ତୁମେ ଯେଉଁ ଆସେଟ୍ ଆକ୍ୟୁଆର୍ଡ଼ କରିଛ ସେସବୁ ଆଡ଼୍ ହେବ, ଏମିତି ହେଇଥିବ
कौ आसेट को तुम जानुरी पुट टू यूज कर जानुरी पुट टू मान बैश तेईस जानुरी मैंने कौन जानुरी तेईस जदि आम आसेट को पुट टू यूज करवा जानुरी तेईस जदि मुझ आसेट को पुट टू यूज करी ताहले से तो शहे अशी दिन यूज हेनी हाँ तेणुक तुम खोज कौ आसेट जोटा बैश तेईस आक्वाड होती बैश तेईस पूर्व आक्वाड होती दरकार ना कि बैश तेईस पर आक्वाड होती ना जोटा ड्यूरींग द प्रिवियस ईयर आक्वाड होती आउ पुट टू यूज होती शहे अशी दिन किठूर अधिका ताकू थे आड कर जे पुट टू यूज होती शहे अशी दिन कम ताकू सेपरेटली आड कर जे एपर्तंत पुट टू यूज होनी ताकू भी सेपरेटली आड कर बस ये तीन टा आइटम आड हे तादरु माइनस हम मनी पेबुल जदि तुम कौन से आसेट बिक्री कर दे कि तुम कौन से आसेट नष्ट निया लगेगला तार इन्सुरांस क्लेम मिलू तो जो आसेट ब्लॉक रु पल बाबद तुम जी टा पाइच सतक तुम माइनस कर मैंने जो आसेट बिका है तार सेलिंग प्राइस माइनस हम जो आसेट बिक्री होती तार सेलिंग प्राइस माइनस हम अच्छा ता सहित जदि किसी आसेट ट्रांसफर होती स्लम सेल रे जो तुम कैपिटल गेन रे पड़ी थी स्लम सेल माने गोटे अंडरटेकिंग बिका हला गोटे डिविजन बिका हला विदाउट असाइनिंग द इंडिविजुअल वैल्यू टू आसेट्स माने मोर गोटे सीमेंट डिविजन थिला आउ गोटे मोटर डिविजन थिला मु मोटर डिविजन को बिक्री कर देली बट मोटर डिविजन को जो बिक्री कर देली से डिविजन पे मु लाख टका नेली किंतु डिविजन भितर किछ आसेट लायबिलिटी थिला सब जगह मु ट्रांसफर कर देली कोउ आसेट पे केते टका नेली ये सब मु तुमको असाइन कली नाही तो से जगह रे ताको कह जाय स्लम सेल जदि तुम्हें स्लम सेल करिछ तो नो डाउट से डिविजन भितर जो आसेट थिला से आसेट भी पळे जायथिबो तो तार डब्ल्यू डी माइनस कर सेल प्राइस नुह कौन माइनस कर डब्ल्यू डी बेटा दुटा जिनस माइनस हम जो आसेट बिका गला तार डब्ल्यू डी माइनस हेनी तार सेल प्राइस माइनस हम जो आसेट स्लम सेल रे पलैला तार सेल प्राइस माइनस हेनी तार डब्ल्यू डी माइनस हम सार जो आसेट स्लम सेल रे पलैगला तार डब्ल्यू डी केमी कैलकुलेसन हम बेटा तार डब्ल्यू डी केमी कैलकुलेसन हम तुमको सिकेबी एटि जस्ट खाली लेख कि डब्ल्यू डी अफ आसेट जो स्लम सेल डब्ल्यू डी कैलकुलेसन हम धरी नि से डिजन भितर से गोटे से ब्लक भितर से गोटे आसेट थिला तो कंप्यूट डब्ल्यू डी अफ आसेट अज्यूमिंग दिस आसेट इज ओनली आसेट इन द ब्लक नोट लेख प्रोब्लेम यहाँ बुझेबी एवं बुझे बुझे तुम बुझीपर ना तो प्रोब्लेम बुझेबी एतक माइनस है जो रेजल्ट आसो कहुए डब्ल्यू डी अफ ब्लक फर डेप्रिसीएसन माने एतिक डब्ल्यू डी उपर तुमको डेप्रिसीएसन मिलिबो एबे माइनस हम तादरु डेप्रिसीएसन एक्चुअली केमिति कैलकुलेसन हम मुझे सिकेबी तो डेप्रिसीएसन माइनस है क्लोजिंग डब्ल्यू डी अफ ब्लक आसीज कौन आसीज क्लोजिंग डब्ल्यू डी अफ ब्लक ये जो डेप्रिसीएसन केमिति कैलकुलेसन हम एबे देख डब्ल्यू डी अफ ब्लक फर डेप्रिसीएसन जो थिला ताकु एबे मु पार्ट पार्ट करदेवि आ दे केते आसेट अच्छी जे एक्वायर्ड होती बट नॉट पुट टू यूज मैं सेपरेटली आड करी ना देखि पारुछ ना नहीं आसेट एक्वायर्ड बट नॉट पुट टू यूज आसेट पुट टू यूज फॉर लेस देन 180 दिन आसेट पुट टू यूज 180 दिन कि अधिका तो ये जो थर्ड रे हमें आड करथिले आसेट नॉट पुट टू यूज धरिन एटी लाख टका आड हेतला तुमर डब्ल्यू डी अफ ब्लक अच्छी तीन लक्ष पचास हजार तुमर जो डब्ल्यू डी अफ ब्लक केजाम्पल मध्यम सब बुझीज एवं बुझ धरी नि तुम डब्ल्यू डी अफ ब्लक केन लक्ष पचास बट ये कैसे आड होता लक्षे टाँगा ये लक्षे टाँगा उपरे नो डेप्रिसीएसन ताने जदि कौन आसेट प्रोविजन बुझ जदि कौन आसेट ड्यूरींग द प्रिवियस ईयर एक्वायर्ड होती से ब्लक आड हे जदि पुट टू यूज होनी डेप्रिसीएसन मिलना ना कि ब्लक आड हे
जदि कौन आसेट ड्यूरींग द इयर भलसे ये प्रोविजन को मन रख ये प्रोविजन सर्ट क्वेश्चन के स्टडी आसपे जदि कौन आसेट जदि कौन आसेट करेन्ट इयर रे एक्वायर्ड हो ताले से पुट टू यूज हो न हो ब्लॉक रे ऐड हबो जदि पुट टू यूज ताले तापर डिप्रिसिएशन अलाउ करा जिवो प्रोवाइड करा जिवो जदि पुट टू यूज हैनी ताले तापर डिप्रिसिएशन प्रोवाइड करा जिवो नाही तबे बुझो जो एसेट एक्वायर्ड हेतिला ता धरु जे पुट टू यूज हैनी मु ताकु कंसीडर कर देली तापर देखो कोटा 180 दिन रो कम यूज हेछि ए जो ता ऊपर ना थिला धरिन ये 70,000 थिला धरिन ये 70 ता माने ये 70,000 ऊपर जहाँ रेट ऑफ डेप्रिसिएशन अछि तार आधा लागिवो धरिन से बिल्डिंग 5% अछि ताले 2.5% लागिवो धरिन से मशीनरी 15% अछि ताले ता ऊपर 7.5% लागिवो ता माने जो आसेटा करेन्ट ड्यूरींग द प्रीवियस ईयर एक्वायर्ड होची भलसे बुझ जो आसेटा ड्यूरींग द ईयर ड्यूरींग द प्रीवियस ईयर एक्वायर्ड होची आउ सही वर्ष 180 दिन रु कम यूज होची ताले ता उपरे हाफ रेट ऑफ डिप्रिसिएशन मिलिबो केते रेट हाफ रेट जदि कोनोसी आसेट करेन्ट ईयर रे एक्विजिशन होची बा ड्यूरींग द ईयर प्रीवियस ईयर एक्वायर्ड होची आउ से वर्ष पुट टू यूज होनी ताले से ब्लॉक रे ऐड हबो किंतु डिप्रिसिएशन मिलिबो नाही से ब्लॉक रे ऐड हबो किंतु डिप्रिसिएशन मिलिबो नाही आउ जहा बैलेंस रहिला ता उपरे फुल डिप्रिसिएशन लागिबो आउ जहा बैलेंस रहिला ता उपरे फुल डिप्रिसिएशन लागिबो आउ जहा बैलेंस रहिला ता उपरे फुल डिप्रिसिएशन लागिबो एबे देखो इंपोर्टेंट नोट्स एबे देखो इंपोर्टेंट नोट्स जहाँ सब बुझेली से सब इम्पोर्टाट पॉइंट हिसाब से लिखा जा पढ़ खातारे लिख सहित बुझ पहला इफ आसेट एक्वायर्ड ड्यूरिंग द करेंट प्रीवियस ईयर एंड नॉट पुट टू यूज डिप्रिसिएशन मिलिबो आंसर इज नो देन डिप्रिसिएशन शैल नॉट बी अलाउड फॉर सच आसेट किंतु आसेट ब्लॉक रे ऐड हबा ना नहीं आंसर इज यस बट दैट आसेट शुड बी एडेड टू द ब्लॉक ऑफ आसेट बोलो ये पॉइंट समझ में आया आंसर इज यस नो यस सर अब बोलो जो आसेट सेल हो रहा है जो आसेट सेल हो रहा है उसका WDV ब्लॉक से माइनस होगा या सेल प्रोसीड माइनस होगा तुम बताओ सर जो एसेट सेल हो रहा है उसका सेल प्रोसीड माइनस होगा तो एक्चुअल सेल प्राइस शैल बी रिड्यूस्ड फ्रॉम ब्लॉक नॉट द फेयर मार्केट वैल्यू या WDV ऑफ एसेट। अच्छा मान लो कि आशीषी बिल्डिंग ट्रांसफर कर रहा है मान लो आशीषी बिल्डिंग ट्रांसफर कर रहा है कैपिटल गेन में एक सेक्शन था सेक्शन 50 यही कहता था कि अगर सेल प्राइस स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू से कम हो रहा है तो फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन हम स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू लेंगे अगर कैपिटल गेन पड़े हुए तो ये बात समझ में आएगा अगर तुम्हारा कैपिटल गेन नहीं हुआ है तो ये बात समझ में नहीं आएगा अब देखो ये नोट्स को जरा रीड करो If assets is transferred building, then actual sell price shall be reduced and not SDV. Sir, ये SDV का concept capital gain में आता था ये stamp duty value PGBP में consider नहीं होगा However, if section 50 attracts, then SDV shall be considered for computation of a capital gain. Oh my God, PGBP के साथ इसका कोई लेना देना नहीं है मतलब अगर सेक्शन 50 लग रहा है तो
तो कैपिटल गेन कंप्यूटेशन करने के लिए वी विल कंसीडर एसडीबी बट नॉट फॉर पीजीबीपी। इसका मतलब यहां पे जो एसेट सेल होगा उसका सेल प्राइस ही माइनस होगा, चाहे वो एसडीबी से कम हो या ना हो। पीजीबीपी में मतलब सेक्शन 32 में जब हम डेप्रिसिएशन कंप्यूट करेंगे तो सेल प्राइस माइनस करेंगे, एसडीबी माइनस नहीं करेंगे। सेक्शन 50 लग रहा है तो भी स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू माइनस नहीं होगा। मनी पेबल मीन्स सेल प्राइस। अगर इंश्योरेंस क्लेम में कुछ पैसा मिल रहा है तो इंश्योरेंस क्लेम कंपेंसेशन इन रेस्पेक्ट ऑफ एसेट सोल्ड डिस्कार्डेड डिमोलिश्ड डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर द अमाउंट ऑफ एंड द अमाउंट ऑफ स्क्रैप वैल्यू। मान लो एसेट का लाइफ खत्म हो गया, इसको मैं स्क्रैप के रूप में बेच दिया तो स्क्रैप वैल्यू माइनस होगा। ओके तो सेक्शन 32 का एक प्रोविसो, ये प्रोविसो रीड करो, ये क्या कह रहा है। डेप्रिसिएशन इज रेस्ट्रिक्टेड टू 50%। याद है अगर एसेट एक्वायर्ड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, अगर एसेट एक्वायर्ड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर एंड पुट यूज फॉर लेस देन 180 डेज and put to use for less than 180 days, then 50% of normal rate of depreciation or 50% of a normal depreciation will be allowed. So depreciation is restricted to 50%. Now, if asset is acquired during the previous year and put to use in that previous year for less than 180 days, read karo. If asset put to use for less than 180 days in the year of acquisition, मतलब जिस साल acquisition हो रहा है उसी साल 180 days से कम use हो रहा है, restriction applies only in the year of acquisition. मान लो 21-22 में मैंने acquired किया, 21-22 में मैंने पुट टू यूज किया, इसको कॉपी मत करो, इसको पहले समझो। 21-22 में मैंने एक्वायर किया, 21-22 में मैंने पुट टू यूज किया, फिर वो लेस देन 180 डेज। मान लो कि उसका नॉर्मल रेट 10% था तो अब 5% मिलेगा, ठीक है। चलो मान लो फॉर एग्जाम्पल 21-22 में मैंने एक्वायर किया लेकिन यूज नहीं किया, 22-23 में मैंने पुट टू यूज किया, तब जो एसेट केबे एक्वायर्ड हला 21-22 रे, बट पुट टू यूज केबे हला 22-23 रे। भाई एठी होलो जे फुल रेट लागिवो सर, 180 दिन रो कम हला अधा लागिवो नि ना, 180 दिन रो कांसेप्ट लागिवो जो वर्ष एक्वायर्ड हिची सेही वर्ष जदि पुट टू यूज हला, तो जो वर्ष एक्वायर्ड हिची अलगा इयर रे जदि पुट टू यूज हला ताले सेठी आउ से 180 दिन रो कम अधिका वाला कंसेप्ट लागियोनी, गोटे दिन यूज हेले भी त फुल रेट मिलियो, तो 21-22 रे त एटी डिफरेंशिएशन मिलिबे नी, काई ना एक्वायर्ड हिची पुट टू यूज हेनी, ता माने गोटे वर्ष जो वर्ष एसेट एक्वायर्ड हिची सेही वर्ष जदि पुट टू यूज हेला ताले देखा जीवो 180 दिन रो कम यूज है कि 180 दिन किंवा तर अधिका है। जदि 180 दिन रु कम होती अधा रेट, जदि 180 दिन किंवा 180 दिन रु अधिका यूज है फुल रेट। जो वर्ष एक्वायर्ड हला से वर्ष जदि पुट टू यूज हैनी ताले से वर्ष आउ डेप्रिसिएशन मिलिबनी, नेक्स्ट वर्ष पुट टू यूज हला
ताले तुमको अलवेज फुल रेट रे मिलिबो सेठी आउ देखा जबनी कि 180 दिन एरो कम एक यूज होई छि कि ताटर अधिक होई गई छि त ए प्रोविजो पढ़ा भाई ये एग्जांपल देखो एसेट एक्वायर्ड हला 21-22 रे एसेट एक्वायर्ड केबे होई छि 21-22 पुट टू यूज हो रहा है 21-22 पहला कलम ईयर ऑफ एक्विजिशन सेकंड कलम ईयर ऑफ पुट टू यूज तो एसेट एक्वायर्ड हो रहा है 21-22 ये एसेट पुट टू यूज भी हो रहा है 21-22 मतलब जिस साल एसेट एक्वायर्ड हो रहा है उसी साल पुट टू यूज हो रहा है बोले सर नो हाँ लेकिन उसी साल 180 डेज से कम यूज हो रहा है तो 21-22 में डिप्रिसिएशन तो मिलेगा लेकिन हाफ रेट में मिलेगा क्यों क्योंकि जिस साल एक्वायर्ड हुआ है उसी साल पुट टू यूज फिर फॉर लेस देन 180 डेज तो हाफ रेट में डिप्रिसिएशन मिलेगा। सेकंड केस देखो 21-22 में यू एक्वायर्ड हो रहा है लेकिन 22-23 में यूज हो रहा है तो जिस साल एक्वायर्ड हुआ था उसके नेक्स्ट ईयर पुट टू यूज तो 180 डेज से कम होगा तो भी फुल रेट में डिप्रिसिएशन मिलेगा 22-23 में तो 22-23 से फुल रेट ऑफ डिप्रिसिएशन मिलेगा। ये एग्जांपल लिखो बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल डिप्रिसिएशन का अगर ये एक ही एग्जांपल तुम सॉल्व करोगे बार बार तो डिप्रिसिएशन का कॉन्सेप्ट रिवाइज हो जाएगा तो फटाफट एग्जांपल को रीड करो कंप्यूट द डब्ल्यू डी वी फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन फॉर द असेसमेंट ईयर 22-23-24 तो 22-24 असेसमेंट ईयर के लिए यानी प्रीवियस ईयर 22-23 के लिए तो डिप्रिसिएशन सॉरी डब्ल्यू डी वी कंप्यूट करो देर आर सिक्स ब्लॉक इन दिस क्वेश्चन देर आर सिक्स ब्लॉक ब्लॉक वन जिसमें तीन एसेट प्लांट ए बी सी जिसका रेट ऑफ डेप्रिसिएशन 15% 1 अप्रैल 2022 में उसका डब्ल्यू डी वी था 10,40,000 ये जो 10,40,000 है ना ये 22-23 प्रीवियस ईयर का ओपनिंग डब्ल्यू डी वी ऑफ द ब्लॉक बोलो ब्लॉक वन का ओपनिंग डब्ल्यू डी वी 10,40,000 ब्लॉक ए में सॉरी ब्लॉक वन में तीन एसेट आएगा एसेट ए एसेट बी एसेट सी फिर प्लांट डी ई को लेकर एक ब्लॉक सेकेंड ब्लॉक जिसका रेट ऑफ डिप्रिसिएशन 40% उसका ओपनिंग डब्ल्यू डी वी ऑफ ब्लॉक 2,60,000 2,60,000 प्लांट एफ ये अकेला है के ब्लॉक जिसका रेट ऑफ डिप्रिसिएशन 30% ओपनिंग डब्ल्यू डी वी 70,000 बिल्डिंग ए बी सी डी अब बिल्डिंग सर ए बी सी तो ब्लॉक वन में था बेटा वो प्लांट ए बी सी था ये बिल्डिंग ए बी सी हाँ 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 तो बिल्डिंग ए बी सी डी ये एक ब्लॉक ब्लॉक नंबर फोर जिसका रेट ऑफ डिप्रिसिएशन बोलो बिल्डिंग के लिए रेट ऑफ डिप्रिसिएशन कितना था 10% ओपनिंग डब्ल्यू डी ऑफ ब्लॉक 10,90,600 रुपया बिल्डिंग ई एफ जी ये अलग ब्लॉक 5% वाला बिल्डिंग जिसका रेट ऑफ सॉरी ओपनिंग डब्ल्यू डी वी था 7,10,200 बिल्डिंग एच आई जे के जिसका 40% टेम्पररी स्ट्रक्चर के लिए 40% था ना रेजिडेंशियल बिल्डिंग का 5% था कमर्शियल बिल्डिंग का 10% था टेम्पररी स्ट्रक्चर के लिए 40% डिप्रिसिएशन रेट था इसका ओपनिंग डब्ल्यू डी 16,90,000 ड्यूरिंग द ईयर द फॉलोइंग एसेट्स आर परचेस्ड मतलब 22-23 प्रीवियस ईयर में ये सारे एसेट एक्वायर्ड हुआ है प्लांट जी जिसका रेट ऑफ डिप्रिसिएशन 30% कब परचेज हुआ था 6 अप्रैल 2022 को परचेज हुआ था जिसका एक्चुअल कॉस्ट 6,000
बट डेप्रिसिएशन का फॉर्मेट मतलब डेप्रिसिएशन कंपटीशन का फॉर्मेट क्या था, ओपनिंग डब्ल्यूडीबी ऑफ अ ब्लॉक, उसके साथ हम लोग ऐड करेंगे एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एसेट एक्यूर्ड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। ओपनिंग डब्ल्यूडीबी ऑफ अ ब्लॉक के साथ हम ऐड करेंगे एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एसेट एक्यूर्ड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, तीनों हेड में हम लोग ऐड करेंगे, तीनों हेड में हम ऐड करेंगे फर्स्ट एसेट पुट टू यूज 180 डेज और मोर, उसका अलग से ऐड करेंगे। एसेट पुट टू यूज फॉर लेस देन 180 डेज, उसका अलग से ऐड करेंगे। एसेट नॉट पुट टू यूज, अगर पुट टू यूज नहीं हुआ है तो ब्लॉक में ऐड होगा, इसीलिए हम ऐड करेंगे अलग से। फिर उसके बाद जो एसेट एक्वायर्ड हुआ है ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर एंड पुट टू यूज फॉर 180 डेज और मोर, उसके ऊपर फुल रेट में डिप्रिसिएशन मिलेगा। 180 डेज से कम यूज हो रहा है तो हाफ रेट में डिप्रिसिएशन मिलेगा, अगर पुट यूज नहीं हुआ है तो डिप्रिसिएशन नहीं मिलेगा। तो प्लांट जी का परचेज हुआ था 6 अप्रैल 2022 को परचेज हुआ था, कितना परसेंट डिप्रिसिएशन, 30% डिप्रिसिएशन, उसका एक्चुअल कॉस्ट कितना, 6000 रुपया। प्लांट एच, प्लांट एच 11 तारीख को परचेज हुआ 22, 15% रेट, तो 15% मतलब प्लांट का देखो 15%, जो प्लांट एबीसी था ना पहला ब्लॉक नंबर वन, तो ब्लॉक नंबर वन में ऐड होगा प्लांटेज। एक्चुअल कॉस्ट कितना, 18000। फर्नीचर 6 जून 2022 को परचेज हुआ, 10% डिप्रिसिएशन, 56000 का एक्चुअल कॉस्ट। कार 7 जुलाई को परचेज हुआ 15%, तो ये प्लांट में ऐड होगा क्योंकि प्लांट का डेफिनेशन में कार आता है, बोलो हाँ या ना, हाँ। प्लांट इंक्लूड्स शिप व्हीकल एयरक्राफ्ट एक्सेट्रा, तो व्हीकल के अंडर कार आ जाएगा, तो कार प्लांट के मतलब कार प्लांट का डेफिनेशन में आता है। तो कार 7 जुलाई 2022 को परचेज हुआ था 15% डिप्रिसिएशन, 256000। बिल्डिंग एल 26 सितंबर 2022 को परचेज हुआ, 5% वाला डिप्रिसिएशन, 728700। कंप्यूटर, बड़ा कंप्यूटर प्लांट के अंदर आता है, हाँ, तो कंप्यूटर 27 सितंबर 2022 को परचेज हुआ 40%, 90000। कॉपीराइट्स, कॉपीराइट इंटेंजिबल एसेट होता है, 30 सितंबर 2022 को परचेज हुआ 25%, 17,50,000। द फॉलोइंग एसेट्स आर ट्रांसफर्ड, मतलब ये सारा एसेट सेल हुआ है। प्लांट बी 20 दिसंबर 2022 में सेल हुआ 25,10,900। प्लांट डी 31 जनवरी 2023 में सेल हुआ 12,000। बिल्डिंग एल 6 मार्च 2023 में सेल हुआ है 6,00,000 में। अब हमें डब्ल्यू डी बी ऑफ अ ब्लॉक कंपटीशन करेंगे, बेटा डिप्रिसिएशन तो कंप्यूट नहीं करेंगे, डिप्रिसिएशन भी फिर भी डिप्रिसिएशन हम कंप्यूट कर सकते हैं, फिर भी ये क्वेश्चन में हम डब्ल्यू डी बी निकालेंगे, फिर उसके बाद डिप्रिसिएशन निकालेंगे। बस समझ में आया, बोलो हाँ या ना, हाँ सर। चलो फटाफट डिप्रिसिएशन का, सॉरी डब्ल्यू डी बी कैलकुलेशन करो। हेलो गाइज, आर यू रेडी? हाँ सर, मत खाली एति की कह, ब्लॉक कितना, ब्लॉक ब्लॉक थिला 1 2 3 4 5 6 7 ब्लॉक, ब्लॉक 1 2 3 4 5 6 7, ब्लॉक 1 हला प्लांट, ब्लॉक 1 कौन प्लांट एबीसी, ता सहित जीएच ऐड हबो। अच्छा 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 अच्छा, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड,
ब्लॉक वन जो प्लांट अच्छी ये 15% रेट, तो ब्लॉक वन प्लांट एबीसी 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 एच आड हम कारण एच र 15% आच प्लांट, तो ब्लॉक वन रे कार भी आड हम कार भी गोटे प्लांट जार 15% रेट अच्छे ब्लॉक वन रे प्लांट ए बी सी थिला एच मु परचेज कली सर एच तो प्लांट से कहीं के ब्लॉक वन रे आड हैला कारण एच ऊपर 15% रेट थिला कारण एच ऊपर 15% रेट थिला सर कार भी गोटे प्लांट हाँ तार जेहेतु 15% कार ऊपर डिप्रिसिएशन अछि से ब्लॉक वन रे आड हबो ब्लॉक टू प्लांट जहाँ 40% तो ब्लॉक टू प्लांट डी ओ ई देख लो जो एसेट किणा है 40% वाला प्लांट किसी किणा जा हाँ सर कंप्यूटर किणा जा कंप्यूटर कंप्यूटर जहाँ कत परसेंट अच्छी 40% तो ये प्लांट सहित तो, कंप्यूटर मिसीज जार केते परसेंट 40% ब्लॉक थ्री वो भी प्लांट के लिए जिसका 30% रेट तो ओरिजिनली प्लांट एफ था प्लांट सॉरी ब्लॉक थ्री में अब देखो जो एसेट हाँ प्लांट जी अभी खरीद हुआ मतलब मैंने खरीदा था जिसका 30% वो ब्लॉक थ्री में ऐड होगा ब्लॉक फोर बिल्डिंग ए बी सी डी जार रेट कितने जिसका रेट ऑफ डेप्रिसिएशन 10% अब देखो जो एसेट एक्वायर्ड हुआ है बिल्डिंग बिल्डिंग 5% वाला बिल्डिंग एक्वायर्ड हुआ है 10% वाला बिल्डिंग एक्वायर्ड नहीं हुआ है सर यहाँ पे तो 10% है बेटा ये फर्नीचर बिल्डिंग नहीं है तो इसीलिए ये जो ब्लॉक फोर ना इसमें ए बी सी डी बिल्डिंग ही आएगा ब्लॉक फाइव भी बिल्डिंग का ब्लॉक फाइव भी बिल्डिंग का लेकिन बिल्डिंग ई एफ जी का पांच परसेंट डिप्रिसिएशन अब देखो बिल्डिंग एल एक्वायर्ड हुआ है जिसका भी 5% वो बिल्डिंग सॉरी ब्लॉक फाइव में ऐड होगा एल ब्लॉक सिक्स वो भी बिल्डिंग एच आई जे के इसका 40% अब देखो 40% वाला बिल्डिंग कुछ एक्वायर हुआ है क्या नहीं कंप्यूटर कंप्यूटर 40% ये तो प्लांट में ऐड हुआ था ब्लॉक सेवन इंटेंजिबल एसेट इसका 25% डिप्रिसिएशन तो इसका मतलब हमारे सामने अब 7 ब्लॉक है ब्लॉक वन प्लांट ए बी सी उसके साथ ऐड होगा एच एंड कार क्योंकि कार भी एक प्लांट है जिसके लिए 15% डिप्रिसिएशन लगता है प्लांट डी ई मतलब ब्लॉक टू प्लांट डी उसके साथ कंप्यूटर ऐड होगा ठीक है चलो अब लिखो कैलकुलेशन ऑफ डब्ल्यू डी वी ऑफ अ ब्लॉक ऑन डिप्रिसिएशन
calculation of WD of a block and depreciation. ठीक है, ब्लॉक वन प्लांट एट द रेट ऑफ 15%, ब्लॉक वन प्लांट एट द रेट ऑफ 15%. बोलो ओपनिंग डब्ल्यू डी वी ऑफ ब्लॉक, बोलो कितना ओपनिंग डब्ल्यू डी वी ऑफ ब्लॉक, ब्लॉक वन का ओपनिंग डब्ल्यू डी वी सर 10,40,000. तो ऐड करो एक्चुअल कॉस्ट ऑफ असेट्स एक्वायर्ड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर. एक्चुअल कॉस्ट ऑफ असेट्स एक्वायर्ड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर. ठीक है, अब बोलो ये जो प्लांट मतलब ये जो ब्लॉक है ना, इसमें दो एसेट मैंने एक्वायर्ड किया था, एक होता है तुम्हारा कार और एक होता है प्लांट एच. तो अब देखो जो प्लांट एच मैंने एक्वायर्ड किया था, ये 11 मई 2022 में मैंने एक्वायर किया था, 11 मई. अब बोलो क्या वो ड्यूरिंग द ईयर 180 डेज या उससे ज्यादा यूज हो रहा है? मान लो ये अजम्पशन ले लो कि जिस दिन मेरा डेट ऑफ परचेज वो पुट टू यूज, तो मैं 11 मई 11th मई में मैंने एक्वायर किया था, अब बोलो मई में मैंने कितना यूज कितना दिन यूज किया? सर मई 31 माइनस, तो इन द मंथ ऑफ मई द एसेट इज यूज्ड फॉर 20 डेज. सर कैसे भाई? 11 तारीख को मैंने एक्वायर किया, चलो 11 तारीख मैंने पुट्टी यूज किया. अगर तुम 11 तारीख को भी कंसीडर करोगे तो 21 दिन यूज होगा, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31. द मंथ ऑफ मई इज 31 डेज. बोलो ऐसा नो, तो मई में 21 दिन, जून में 30 डेज, जुलाई में 31 डेज, अगस्त में 31, सितंबर 30, अक्टूबर 31, नवंबर 30, दिसंबर 31, तो ये 180 डेज से ज़्यादा हो रहा है. कार का परचेज कब हुआ था? 7 जुलाई. देखो एक कट ऑफ डेट निकाल लो, उस दिन से पहले अगर पुट्टी यूज होगा तो 180 डेज या उससे ज्यादा, उस दिन से मतलब उस दिन के बाद अगर पुट्टी यूज होगा तो 180 डेज से कम. चलो एक कट ऑफ डेट हम निकालेंगे,
अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च मार्च 31 डेज फरवरी 2023 लीप ईयर नहीं हो रहा है तो 28 दिन जनवरी 31 दिसंबर 31 नवंबर 30 अक्टूबर 31 सितंबर 30 अगस्त 31 जुलाई 31 जून 30 मई 31 अप्रैल 30। अब देखो 180 डेज कहाँ हो रहा है 30 31 31 30 31 30। ये देखो अगर 3 अक्टूबर पुट टू यूज होगा तो 3 अक्टूबर से 31 मार्च 2023 ये 180 डेज हो रहा है। मतलब 3 अक्टूबर या उससे पहले देखो अगर 3 अक्टूबर उससे पहले होगा तो 180 डेज से ज्यादा होगा। 3 अक्टूबर लास्ट डेट अगर उसके बाद पुट यूज होगा मान लो कि 4 अक्टूबर तो 3 अक्टूबर लास्ट डेट अगर 3 अक्टूबर में पुट यूज हो रहा है तो 180 डेज होगा। अगर 3 अक्टूबर से पहले अगर पुट यूज हो रहा है तो 180 डेज से ज्यादा होगा। अगर 4 अक्टूबर से पुट यूज हो रहा है तो 179 होगा, उसके बाद होगा तो 180 डेज से कम होगा। तो लास्ट डेट मतलब बेंचमार्क 3 अक्टूबर या उससे पहले पुट यूज हुआ है तो मतलब फुल रेट, उससे उसके बाद अगर पुट यूज हुआ है तो हाफ रेट। तो यहाँ पे प्लांट 3 अक्टूबर से पहले पुट टू यूज हुआ है, फिर कार भी 3 अक्टूबर से पहले पुट टू यूज हुआ है। तो इसका मतलब फॉर 180 डेज और मोर कॉस्ट ऑफ प्लांट एच एंड कार ये दोनों इस ब्लॉग में ऐड हो जाएगा। फिर 180 डेज और मोर देखो कॉस्ट ऑफ प्लांट कितना, प्लांट एज कितना 18,000 प्लस और कार का कितना 256 ये हो रहा है 2,74,000। फॉर लेस देन 180 डेज इस ब्लॉक में नहीं है, नॉट पुट टू यूज भी नहीं है। अब बोलो कितना हुआ 10,40,000 प्लस 274 13,14,000। अब देखो जो सेल हुआ है इस ब्लॉक से कितना, मतलब कौन सा एसेट सेल हुआ है, सेल एसेट प्लांट बी हाँ इसी ब्लॉक में था। तो प्लांट बी का कितना सेल वैल्यू
25,10,900। एक मिनट, लेस सेल प्रोसीड ऑफ एसेट सोल्ड, तो लेस सेल प्रोसीड ऑफ एसेट सोल्ड प्लांट बी, प्लांट बी का सेल प्रोसीड कितना, 25,10,900, तो 25,10,900। बैलेंस ₹11,96,900, ये नेगेटिव आ रहा है सर। नेगेटिव होने से क्या होगा, अभी इस क्वेश्चन के बाद में डिस्कशन करूंगा कि नेगेटिव होने से क्या होगा। यहाँ पे ब्लॉक सीजेस टू एग्जिस्ट, मतलब ब्लॉक नहीं रहा। जब ये बैलेंस नेगेटिव हो जाता है तब, हाँ भले देखो यहाँ पे एसेट है, मतलब ए बी सी एच कार 5 एसेट था, ये क्या एसेट मैंने बेच दिया, मतलब ब्लॉक में अभी प्लांट मतलब एसेट है, ये सी एच कार ये तो ब्लॉक में रहा लेकिन ब्लॉक का वैल्यू नहीं रहा, तो इसीलिए यहाँ पे और डिप्रिसिएशन प्रोवाइड नहीं होगा। जब ब्लॉक में एसेट नहीं रहता है तब ब्लॉक सजेस्ट टू एग्जिस्ट हो जाता है, नहीं तो जब बैलेंस एसेट रहता है लेकिन बैलेंस नेगेटिव हो जाता है, मतलब बैलेंस नहीं रहता है, तो तब भी ब्लॉक सजेस्ट टू एग्जिस्ट हो रहा है। माने जितेबले देखो ये ब्लॉक रे हमारे कौन कौन एसेट थिला, ये ब्लॉक रे प्लांट ए थिला, बी थिला, सी थिला, एच थिला, कार थिला। एबे मु बी को बिकिली, केते टंगा रे बिकिली, 25,10,900। तो ए सी एच कार तो ब्लॉक रे रहूची किंतु बी बिकी दबा द्वारा एत्ते पैसा मते मिली गला जे ये ब्लॉक रे आउ वैल्यू नाही, तनु करि ब्लॉक सजेस्ट टू एग्जिस्ट, ये शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हि जबो। तो कौन होबा आगु का हम डिस्कशन करिबा, बट एठी ब्लॉक सजेस्ट टू एग्जिस्ट त लिखो नहीं, आकु लिखिया किछ दरकार नै वर्तमान। नेक्स्ट ब्लॉक 2 प्लांट एट द रेट ऑफ, प्लांट एट द रेट ऑफ 40%, ब्लॉक 2 प्लांट एट द रेट ऑफ 40%, ओपनिंग डब्ल्यू डी वी ऑफ ब्लॉक, बोलो ओपनिंग डब्ल्यू डी वी ऑफ ब्लॉक, ब्लॉक 2 का ओपनिंग डब्ल्यू डी वी कितना, ब्लॉक 2 का ओपनिंग डब्ल्यू डी वी 2,60,000। ऐड करो एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एसेट्स एक्वायर्ड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, कौन ऐड हो एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एसेट एक्वायर्ड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। बोलो ब्लॉक 2 में कंप्यूटर ऐड होगा, ब्लॉक 2 में कंप्यूटर ऐड होगा, लेकिन कंप्यूटर का एक्विजिशन डेट कितना, 27th September 2022, मतलब 3rd October या उससे पहले, तो ये 180 डेज और मोर में आएगा। फॉर 180 डेज और मोर कंप्यूटर, बोलो कंप्यूटर का कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कितना, 90,000। कितना हुआ,
3,50,000 माइनस सेल प्रोसीड ऑफ एसेट्स, सॉरी अच्छा ब्लॉक टू में क्या क्या एसेट था, डी ई, अब कंप्यूटर एक्विजिशन हुआ तो प्लांट डी सेल हो रहा है 12,000, मतलब 12,000। WDV ऑफ अ ब्लॉक थ्री लाख 38,000। सॉरी अब ये जो 3,38,000 इस ब्लॉक में 180 डेज से कम पुट टू यूज नहीं है, फिर नॉट पुट टू यूज नहीं है, मतलब ये 3,38,000 के ऊपर फुल रेट डिप्रिसिएशन में डिप्रिसिएशन मिलेगा। तो डिप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ 40%, 135,200 क्लोजिंग WDV ऑफ ब्लॉक। देखो सेकंड ब्लॉक रो ओरिजिनल सॉरी ओपनिंग WDV कितने थिला 260,000 एस और नो जो आसेट आम कि 180 दिन कि अधिका कारण 3rd October रु पूर्व सेप्टेम्बर कि तो सेप्टेम्बर पर अक्टोबर ना तो सेप्टेम्बर जेहेतु कि 180 दिन अधिकार आसला तो कैसे है 3,50,000 जो बिकली तार भैल्यू माइनस कली के 12,000 तो आ रहा के 3,38,000 तो ये ब्लॉक रे कौन नॉट पुट टू यूज अच्छे कि नाई, ये ब्लॉक रे कौन 180 दिन रु कम यूज वाला आसेट अच्छे कि नाई, तेणुक ये जहाँ भी आसेट रहा जहाँ भी भैल्यू रहा से सब बालान्स तो बालान्स हेल्ले फुल रेट लगे तो फुल रेट हेल्ले 40% तो डिप्रिसिएशन के 2,02,800। नेक्स्ट ब्लॉक थ्री कौन थिला प्लांट जहाँ 30% डिप्रिसिएशन रेट तो प्लांट एट द रेट ऑफ 30% ओपनिंग WDV ऑफ अ ब्लॉक थ्री रो ओपनिंग WDV 70,000 ओपनिंग WDV ऑफ अ ब्लॉक 70,000 ऐड करो एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एसेट्स एक्वायर्ड ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर। एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एसेट एक्वायर्ड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर देख लो जरा देखो ब्लॉक थ्री मतलब प्लांट 30% का एक्विजिशन नहीं सेल प्रोसीड ऑफ एसेट क्वेश्चन तो बार बार देखना पड़ेगा। सेल और प्लांट बी ऑलरेडी हो चुका है, प्लांट डी भी ऑलरेडी हो चुका है, अब बिल्डिंग तो बिल्डिंग का ब्लॉक से वो माइनस होगा, इसमें सेल भी नहीं है तो बैलेंस कितना आ रहा है 70,000, अब माइनस होगा डेप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ 30%। क्लोजिंग WDV ऑफ अ ब्लॉक क्लोजिंग WDV ऑफ अ ब्लॉक हो गया 49,000।
एक मिनट आई एम सॉरी, प्लांट जी 30% था ना, वो एक्विजिशन हुआ है, ये ऐड हो जाएगा। अच्छा प्लांट जी कब खरीदा हुआ था? 6 अप्रैल। हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, 6 अप्रैल को प्लांट जी परचेज हुआ है, 6 अप्रैल को प्लांट जी परचेज हुआ है। इसका मतलब अच्छा 6 अप्रैल 2022, तो ये भी 180 डेज से मोर होगा भाई। 3 अक्टूबर या उससे पहले, 3 अक्टूबर या उससे पहले अगर प्लांट पुट टू यूज होता है तो फुल रेट, तो यहाँ पे 6000 ऐड होगा, तो ये हो जाएगा 76000। अब डेप्रिसिएशन 76 का कितना परसेंट? 40%, 30% सॉरी, 53,000। नेक्स्ट ब्लॉक फोर, ब्लॉक फोर क्या था? बिल्डिंग ए बी सी डी। अच्छा ब्लॉक फोर का डिप्रिसिएशन रेट क्या था? बिल्डिंग 10%। ब्लॉक फोर बिल्डिंग एट द रेट ऑफ 10%। बोलो ओपनिंग डब्ल्यू डी वी ऑफ अ ब्लॉक, ओपनिंग डब्ल्यू डी वी ऑफ अ ब्लॉक 10,90,600। और करो एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एसेट्स एक्वायर्ड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एसेट्स एक्वायर्ड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। देखो 10% वाला बिल्डिंग एक्विजिशन हुआ था क्या? 10% वाला बिल्डिंग 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 10% वाला बिल्डिंग एक्विजिशन नहीं हुआ है। सेल प्रोसीड ऑफ एसेट्स, 10% वाला बिल्डिंग कुछ सेल हुआ है क्या? 10% वाला बिल्डिंग कुछ सेल हुआ है क्या? बिल्डिंग बिल्डिंग एल एल तो 5% में था, सेल नहीं है। तो बैलेंस आ रहा है 10,90,600। अब डेप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ 10%। ₹1,09,060 ये हो जाएगा 981,540। क्लोजिंग डब्ल्यू डी वी ऑफ अ ब्लॉक, क्लोजिंग डब्ल्यू डी वी ऑफ अ ब्लॉक 4 हो गया। ब्लॉक 5 बिल्डिंग एट द रेट ऑफ 5%, ब्लॉक 5 बिल्डिंग एट द रेट ऑफ 5%। ई एफ एंड जी
7,10,200 ओपनिंग डब्ल्यूडीबी ऑफ ब्लॉक, ओपनिंग डब्ल्यूडीबी ऑफ ब्लॉक बोलो कितना, 7,10,200 7,10,200 ऐड करो एक्चुअल कॉस्ट ऑफ असेट्स एक्वायर्ड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, ऐड करो एक्चुअल कॉस्ट ऑफ असेट्स एक्वायर्ड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। अब देखो बिल्डिंग 5% वाला कुछ बिल्डिंग एक्विजिशन हुआ था क्या, बिल्डिंग 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 एल एक्विजिशन हुआ है 7,28,700 26 सितंबर 2022 मतलब 3 अक्टूबर से पहले, तो इसके ऊपर भी 100% डिप्रिसिएशन। जो बिल्डिंग एल एक्विजिशन हुआ था, जो बिल्डिंग एल एक्विजिशन हुआ था उसका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कितना था, 7,28,700 7,28,700 लेस सेल प्रोसीड ऑफ असेट्स। देखो सेल बिल्डिंग एल इसी ब्लॉक में था ना, तो इसका सेल प्रोसीड माइनस होगा 6,00,000 8,38,900 डेप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ 5% हाफ वाला डेप्रिसिएशन नहीं है, क्लोजिंग डब्ल्यूडीबी ऑफ ब्लॉक हो जाएगा 7,96,955 ब्लॉक 5 हो गया। ब्लॉक 6 बिल्डिंग एट द रेट ऑफ 40% ओपनिंग डब्ल्यूडीबी ऑफ ब्लॉक, ओपनिंग डब्ल्यूडीबी ऑफ ब्लॉक सिक्सटीन लाख नाइन्टी थाउजेंड एक्चुअल कॉस्ट ऑफ असेट्स एक्चुअल ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। देखो 40% वाला कुछ एक्विजिशन हुआ था, हाँ यहाँ पे 40% तो है लेकिन वो कंप्यूटर बिल्डिंग का नहीं, तो असेट एक्चुअल नहीं है। सेल प्रोसीड ऑफ असेट भी नहीं है, तो बैलेंस हुआ 16,90,000 बैलेंस कितना हुआ 16,90,000 माइनस डेप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ 40% क्लोजिंग डब्ल्यूडीबी ऑफ ब्लॉक हो जाएगा तुम्हारा 10,14,000
क्लोजिंग डब्ल्यूडीपी ऑफ ब्लॉक हो जाएगा तुम्हारा 10,14,000। ओके, ब्लॉक सिक्स के बाद ब्लॉक सेवन, इंटेंजिबल एसेट एट द रेट ऑफ 25%, इंटेंजिबल एसेट एट द रेट ऑफ 25%। कॉपीराइट एक्विजिशन हुआ है, ओपनिंग में कुछ नहीं था लेकिन कॉपीराइट ड्यूरिंग द ईयर एक्विजिशन हुआ है 17,50,000 का। बोलो ओपनिंग डब्ल्यूडी ऑफ ब्लॉक, नील और एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एसेट्स एक्वायर्ड, एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एसेट्स एक्वायर्ड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर कितना, 17,50,000। ये 3 अक्टूबर से पहले, क्लोजिंग डब्ल्यूडीपी ऑफ ब्लॉक 13,12,500। देखो नेक्स्ट इज सेक्शन 50, ये डेप्रिसिएशन को लेकर एक रिलेटेड सेक्शन। ऑल्दो दिस सेक्शन इज सेक्शन ऑफ कैपिटल गेन, लेकिन इसको पीजीबीपी में भरना पड़ेगा। अगर डेप्रिसिएबल एसेट सेल या ट्रांसफर हो रहा है, ये तो आपको डेफिनेटली मालूम होगा कि अगर एसेट ट्रांसफर होगा तो उसके ऊपर कैपिटल गेन आएगा या कैपिटल लॉस आएगा। हाँ, तो अगर डेप्रिसिएबल एसेट ट्रांसफर हो रहा है तो सेक्शन 50 के हिसाब से कैपिटल गेन निकाला जाएगा। अगर डेप्रिसिएबल एसेट ट्रांसफर हो रहा है तो सेक्शन 50 के हिसाब से कैपिटल गेन निकाला जाएगा। ठीक है, तो सेक्शन 50 सेल ऑफ डेप्रिसिएबल एसेट, इसका मतलब कैपिटल गेन इन केस ऑफ डेप्रिसिएबल एसेट जिसको ब्लॉक कंसेप्ट लगता है, अगर एसएलएम फॉलो होता है तो ये सेक्शन 50 नहीं लगेगा। अगर एसेट को, डेप्रिसिएबल एसेट को एसएलएम मेथड फॉलो होता है तो ये सेक्शन 50 नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि सेक्शन 50 तब लगेगा अगर डेप्रिसिएबल एसेट का डेप्रिसिएशन डब्ल्यूडीपी मेथड के हिसाब से प्रोवाइड हो रहा है। इसका मतलब पावर सेक्टर में यूनिट अगर एसएलएम ऑप्शन ले रखा है तो ये कंसेप्ट, ये सेक्शन नहीं लगेगा। अदर एंटिटी को ब्लॉक कंसेप्ट लगता है तो ब्लॉक कंसेप्ट अगर लगता है तो ट्रांसफर होगा तो ये कंसेप्ट लगेगा। देखो दे आर मे बी टू केसेस, केस वन केस टू। केस वन में क्या हो रहा है ना, ऑल एसेट्स ऑफ ब्लॉक, मान लो ब्लॉक में 4 एसेट था, पूरा चारों के 4 सेल हो गया। ब्लॉक में ए बी सी डी था, ए बी सी डी सेल हो गया। केस टू, सम एसेट्स ट्रांसफर। तो पहले लिखो केस वन, व्हेन ऑल एसेट्स आर ट्रांसफर। तो ओपनिंग डब्ल्यूडीपी ऑफ ब्लॉक था, बोलो हाँ या ना। हाँ,
उसके साथ ऐड होगा एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एसेट्स तो ओपनिंग WDF ब्लॉक के साथ ऐड होगा एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एसेट परचेज सॉरी एक्चुअल ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर हो जाएगा बैलेंस उसके साथ माइनस होगा सेल प्रोसीड ऑफ एसेट ट्रांसफर ट्रांसफर का मतलब सेल हो सकता है डिस्पोजल हो सकता है डिस्कार्ड हो सकता है कुछ भी हो सकता है सेल एक्सचेंज एक्सेट्रा जो सेक्शन 47 का ट्रांसफर डेफिनेशन था कैपिटल गेन में अब ये जो बैलेंस आएगा ये बैलेंस या तो पॉजिटिव हो सकता है नहीं तो नेगेटिव हो सकता है सर पॉजिटिव कैसे होगा मान लो ओपनिंग WDF ब्लॉक 10 लाख था ए बी सी तीनों एसेट था एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एसेट एक्वायर्ड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर मान लो डी मैंने एक्विजिशन किया 5 लाख में तो कितना हुआ 15 लाख सेल प्रोसीड ऑफ एसेट यहां पे ऑल एसेट सेल हो रहा है क्योंकि केस वन व्हेन ऑल एसेट्स आर ट्रांसफर तो ए बी सी डी चारों एसेट सेल हो गया आप बोलेंगे सर अगर डी सेल नहीं हुआ तो डी सेल नहीं हुआ तो केस टू को चला जाएगा अगर ए बी सी डी चारों के चारे एसेट सेल हो जाएगा तो इस केस में आएगा मान लो बीस लाख में सेल हुआ नहीं तो 11 लाख में सेल हुआ अगर 11 लाख में सेल होगा तो पॉजिटिव आएगा कितना पॉजिटिव आ रहा है 4 लाख अगर 20 लाख में सेल होगा तो नेगेटिव आएगा कितना नेगेटिव आएगा 5 लाख तो नेगेटिव आता है तो STCG हो जाएगा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन क्योंकि मेरे ब्लॉक में कितना का एसेट था 15 लाख लेकिन मुझे मिल रहा है मैंने बेच दिया कितना पैसा मुझे मिल रहा है 20 लाख तो 15 लाख एसेट को मैंने 20 लाख में बेच दिया ऑब्वियसली मेरा तो गेन हो रहा है ना तो नेगेटिव होगा तो STCG आ जाएगा अगर पॉजिटिव होगा STCL शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस अगर पॉजिटिव होगा तो शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस नेगेटिव होगा तो STCL नेक्स्ट लिखो केस टू When some assets are transferred. अच्छा केस वन में क्योंकि ऑल एसेट ट्रांसफर हो चुका है अब डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा तो नो डेप्रिसिएशन केस वन में क्योंकि सारे के सारे एसेट ट्रांसफर हो चुका है तो डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा लेकिन केस टू में क्या हो रहा है ना When some assets are transferred. तो क्या होगा ओपनिंग WDF ऑफ ब्लॉक उसके साथ ऐड होगा एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एसेट्स एक्वायर्ड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर क्या होगा एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एसेट्स एक्वायर्ड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर ये रूल के हिसाब से ग्रेटर देन इज इक्वल टू 180 डेज लेस देन 180 डेज नॉट गुड टू यूज
माइनस होगा सेल प्रोसीड्स ऑफ एसेट्स सेल ट्रांसफर्ड, सेल प्रोसीड्स ऑफ एसेट्स ट्रांसफर्ड क्या माइनस होगा, सेल प्रोसीड्स ऑफ एसेट ट्रांसफर्ड। लेकिन मान लो कि यहां पे ए बी सी डी था, एक्विजिशन हुआ ई, ये जो सेल हो रहा है सारे के सारे एसेट सेल नहीं हो रहा है, या बेच ये को तुम बेच सकते हो, बी बेच सकते हो, सी डी ई इंडिविजुअल बेच सकते हो, लेकिन सारे एसेट यहां पे ट्रांसफर नहीं हो रहा है। ये जो बैलेंस आएगा उसको देखा जाएगा, अगर पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव का मतलब एसेट तो ब्लॉक में है लेकिन ब्लॉक का वैल्यू नहीं है, तो इसीलिए जितना नेगेटिव आएगा वो हो जाएगा एसटीसीजी, फिर डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा। अगर नेगेटिव होगा तो एसटीसीजी होगा, डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा। अगर नेगेटिव होगा तो एसटीसीजी होगा, डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा। अगर पॉजिटिव हो, क्योंकि ब्लॉक में एसेट है फिर उसका वैल्यू भी है, तो ये होगा डब्ल्यू डीबी ऑफ अ ब्लॉक सब्जेक्ट टू डेप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ या तो फुल रेट, नहीं तो हाफ रेट, जो कंसेप्ट था। अगर 180 डेज से कम यूज हो रहा है तो हाफ रेट, अगर 180 डेज और उससे ज़्यादा यूज हो रहा है तो फुल रेट, अगर पुट यूज नहीं हुआ है तो नील। वैल्यू असाइन करो। अब देखो मान लो ओपनिंग डब्ल्यू डी एफ ब्लॉक 6 लाख था, कितना एसेट, 5 एसेट ए बी सी डी ई, जो एसेट मैंने एक्वायर किया, 2 एसेट एक्वायर किया एफ जी 2 लाख में, तो कितना हुआ 8 लाख। जो एसेट मैंने सेल किया, 4 एसेट सेल किया, चाहे ए बी सी डी हो सकता है, नहीं तो ए बी डी ई भी हो सकता है, इसका मतलब 2 एक्विजिशन करने के बाद मेरे ब्लॉक में कितना एसेट हो गया, 7 एसेट। अब मैंने 4 एसेट सेल कर दिया तो बैलेंस कितना एसेट रहा, 3 एसेट। ये जो चारों एसेट मैंने सेल किया उसका सेल प्रोसीड चलो 8 लाख, नहीं तो 6 लाख 20। एट लाख नहीं, इसको एक काम करो 9 लाख कर दो। तो अगर 9 लाख माइनस होगा तो 1 लाख नेगेटिव हो जाएगा, बोले है सर नो, तो एसटीसी जो हो जाएगा तुम्हारा 1 लाख। अगर 6 लाख 20 माइनस होगा तो 1 लाख 80 बैलेंस रहेगा, तो ये तुम्हारा डब्ल्यूडीबी ऑफ ब्लॉक हो जाएगा। मान लो कि इसके ऊपर तुम्हारा डेप्रिसिएशन 10% था, अब 1,80,000 के ऊपर 10% डेप्रिसिएशन मिलेगा, यानी 18,000। 1,80,000 के ऊपर तुम्हें डेप्रिसिएशन मिलेगा 10%, यानी 18,000। मान लो कि इस ब्लॉक में एक एसेट ऐसा है कि जो 3 अक्टूबर के बाद पुट्टी यूज हुआ था, तो उसके ऊपर 5% मिलेगा,
रिमेनिंग एसेट के ऊपर 10% मिलेगा। बोलो ये बात समझ में आया? यस सर, नो? यस सर। सर क्या डेप्रिसिएशन का कॉन्सेप्ट खत्म हो गया? नहीं बेटा, डेप्रिसिएशन का कॉन्सेप्ट अभी भी खत्म नहीं हुआ है। और दो चीज हम सीखेंगे, एक होता है तुम्हारा एडिशनल डेप्रिसिएशन और एक होता है अगर अमलगमेशन डिमर्जर मतलब सक्सेशन ऑफ बिजनेस हो रहा है तो डेप्रिसिएशन कैसे कंप्यूट होगा। देखो मान लो कि मैंने एक सोल प्रोवाइडरशिप, मेरा एक सोल प्रोवाइडरशिप बिजनेस था, ठीक है, मैंने कुछ एसेट यूज कर रहा था, वो एसेट के ऊपर डिप्रिसिएशन मुझे मिलेगा। तो ड्यूरिंग द ईयर मैंने पार्टनरशिप फार्म को कन्वर्ट कर दिया, मतलब मेरे सारे के सारे एसेट मैंने मेरा पार्टनरशिप फार्म को कन्वर्ट कर दिया, सेल नहीं किया, किसी दूसरे पार्टनरशिप फार्म को मैंने सेल नहीं किया, मेरा जो प्रोप्राइटरशिप बिजनेस था मैंने उसको कन्वर्ट कर दिया पार्टनरशिप फार्म को, ठीक है। तो उस केस में डिप्रिसिएशन कैसे कंप्यूट होगा? बेटा डिप्रिसिएशन नॉर्मली जैसे कंप्यूट हो रहा है बस ऐसे कंप्यूट होगा, ओपनिंग WDP ऑफ अपलग प्लस एक्विजिशन माइनस सेल या ट्रांसफर। तो डेप्रिसिएशन कंप्यूटेशन में कुछ चेंज नहीं होगा, लेकिन जितना डेप्रिसिएशन आएगा उसका कुछ पोर्शन मुझे मिलेगा मतलब सोल ट्रेडर को और कुछ पोर्शन पार्टनरशिप फार्म को मिलेगा। किस रेशियो में? इन द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ डेज यूज्ड बाय द एसेसी, इन द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ डेज यूज्ड बाय द एसेसी, मतलब मान लो कि मैंने 200 दिन यूज किया था, मुझे 200 दिन का डिप्रिसिएशन मिलेगा, पार्टनरशिप फार्म को 160 या 165 डेज, पार्टनरशिप फार्म 165 डेज यूज किया था तो उसको 165 मतलब डिप्रिसिएशन कंपटीशन होगा, फिर उसके बाद वो अपोर्शन हो जाएगा, हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे नेक्स्ट क्लास में। और एक डिप्रिसिएशन के रिलेटेड कॉन्सेप्ट होता है एडिशनल डिप्रिसिएशन, ठीक है, मतलब एक्स्ट्रा, ये डिप्रिसिएशन ये नॉर्मल डिप्रिसिएशन, ये डिप्रिसिएशन मिलेगा मिलेगा, फिर इसके बाद कुछ एक्स्ट्रा डिप्रिसिएशन या एडिशनल डिप्रिसिएशन मिलेगा। तो ये दो कॉन्सेप्ट हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कशन करेंगे, आज के लिए इतना, थैंक यू, टाटा बाय बाय।